ये दोनों टायर हमको पड़े हैं। राउंड के बाद अभी ये हालत टायर की। तो आज हम डलवाएंगे अपनी बाइक में दोनों टायर, पिछला भी और अगला भी। तो अभी एक राउंड हो कर लिया हमने बर्नआउट का, अभी एक दो राउंड और करेंगे जब तक ये टायर पूरा यहाँ से फ्लैट नहीं हो जाएगा, फिर हम टायर डलवाएंगे। तो वैसे भी थोड़ा टायर है अभी, ये टायर 5-6 बार मार दिया मैंने बर्नआउट यहाँ पे, वो पीछे मारा हुआ है, आगे का कम है टायर, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू था कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था टायर पे, तभी चेंज करवाएंगे इसको। दुकान पे आ चुके हैं अभी हम और डिसाइड किया है और लोगे टायर डलवाएंगे इसमें। डल गया है बबला, अगला है बड़ा हुआ है, 2 साल की वारंटी है इस पर कटने की फटने की। पिछली बार भी मैंने अपोलो का डल लगाया था R6, इस बार अगला भी R6, अगला है F6 का मतलब फॉरवर्ड, R का मतलब रियर, तो रियर लग चुका है ये पुराना टायर अपना। दोनों की हालत देख लो आप, ब्रांड न्यू अब अगले ही वाली अगला टायर इंस्टॉल से सुबह कितने बजे था मैं, अभी टाइम हो रहा है 2:18। जीर का अगला टायर हो गया गायब भैया ने वहाँ पे निकाल दिया अपना पुराना टायर जो कि था C8 का, अभी डलेगा इसमें अपोलो F6, वो लेके जा रहे हैं। पिछला टायर चेक करो आप, ऐसे लग रहा है कुछ पर वो वहाँ पे लिया है ना, मोटरसाइकिल हो गया रेडी, बस अब निकलते हैं बिल दिखाते हैं वो कितने हमारे कितनी हमारी जेब में कितना बड़ा सुराख हो गया इसके कारण। और हमारा वजीर है रेडी इस टाइम टेक ऑफ के लिए, तो चलते हैं बिल के पास। निकलने का टाइम आ चुका है यहाँ से और हमारे टायर चल चुके हैं दोनों, अगला भी और पिछला भी, ये दोनों टायर हमको पड़े हैं 5300 के विद इंस्टॉलेशन और बस 2 साल की वारंटी है,
कटने पे पटने पे, तो वो सब चलते हैं यहाँ से।